13 सितंबर 2023 का दिन भारत की विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने कुछ खास टीवी न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इंडिया गठबंधन के इस फैसले के बाद इन खास एंकरों ने कहा कि ये मीडिया की आजादी पर हमला है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार करते हुए विपक्षी गठबंधन ने 14 एडिटर्स पत्रकारों की आवाज दबाने का फैसला किया। कुछ ने कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे कड़े सवाल पूछते थे। कुछ ने कहा कि यह हमारे लिए वेज ऑफ ऑनर है, यानी कि सम्मान की बात है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर भारतीय टीवी मीडिया में पत्रकारिता कितनी बची हुई है, इन पत्रकारों ने कितने कठिन सवाल पूछे और किससे पूछे, आखिर सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, विपक्ष द्वारा कुछ खास एंकरों का बहिष्कार करना सही है या गलत है, इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। कि क्या ये भारत के मीडिया के लिए सही है, क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है, क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ये कदम उठाना सही है। विपक्ष के गठबंधन ने देश के 5 बड़े मीडिया हाउसेस के 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। सदी चाहता है इंडिया गठबंधन लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे। Are you scared of my questions? That is why you don't want to be on this channel and you want to take the moral high ground that we boycott these journalists? नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 22 जुलाई 2021 का दिन देश में किसान आंदोलन का दौर चल रहा था। न्यूज 18 का एंकर अमीश देवगन शाम करीब 7 बजे टीवी पर आता है। अमीश के शो का विषय था विरोध का नाम अराजक काम। इस शो में अमीश देवगन चीख चीख कर कहता है कि किसान आंदोलन में न्यूज 18 के रिपोर्टर पर हमला हुआ है। नागेंद्र गोसाई जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन कवर करने गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया, डंडे से उनके सिर पर हमला किया गया। फिर व्यूअर्स से पूछता है कि क्या दिल्ली के अंदर विरोध के नाम पर ऐसा किया जाना सही है। सवाल यह है कि दिल्ली के पीछो बीच क्या ऐसी अराजकता की छूट दी जा सकती है। मैं व्यूअर्स आपसे सवाल पूछता हूं। लेकिन बाद में इस मामले की सच्चाई बाहर आती है, किसानों ने किसी को नहीं पीटा, बल्कि ये पत्रकार और पत्रकारों की आपस की लड़ाई थी, झड़प थी, जिसमें गलती भी न्यूज 18 के ही पत्रकार की थी। मामला ये था कि एक YouTube महिला पत्रकार की एक दूसरे फ्रीलांस पत्रकार प्रभजोत सिंह से बहस होती है। इतने में ही न्यूज 18 चैनल का पत्रकार नागेंद्र गोसाई आता है और महिला पत्रकार का साइड लेते हुए फ्रीलांस पत्रकार प्रभजोत सिंह के फोन पर छपट पड़ता है, जिसके बदले प्रभजोत सिंह अपने ट्राइपॉड से न्यूज 18 के पत्रकार पर वार करता है, जिससे उसको मामूली चोट आती है। इस पूरे मामले में कहीं भी कोई किसान नहीं होता, कोई किसान नेता नहीं होता। ये लड़ाई भी नहीं थी, सिर्फ एक झड़प बढ़ती जो 3 पत्रकारों के बीच की ही थी। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि ये घटना किसान आंदोलन के आसपास हुई थी, इसलिए इस छोटी सी घटना पर ही अमीश देवगन ने एक पूरा राष्ट्रीय शो कर डाला और इस मामले में जबरन किसानों को बीच में लेते हुए इस तरह दिखाया कि वे हमलावर हैं, वे अराजकता फैला रहे हैं। इस वीडियो के नीचे आए कमेंट्स में भी आम जनता भी किसानों को ही गाली देती है। ऐसा नहीं था कि ये मामला ऐसा था कि जिसकी सच्चाई बाहर आने में वक्त लग गया हो और एंकर से गलती हो गई हो। वीडियो को अगर कोई सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही देख ले तो उसे इस सच्चाई का पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये देखो गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले। लेकिन अमीश ने जानबूझकर इस वीडियो का इस्तेमाल उन किसानों के विरोध में किया जो बेचारे महीनों से भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे। अमीश देवगन ऐसा अकेला पत्रकार नहीं है। इस वक्त लगभग सभी टीवी चैनलों पर अमीश जैसे ऐसे कई लोग बिठाए गए हैं जो सरकार को जनता के सवालों से बचाने के लिए, सरकार पर आने वाले प्रेशर को कम करने के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, एक ढाल का काम करते हैं। यानी जनता कोई सवाल उठाती है, छात्र कोई मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगार कोई मुद्दा उठाते हैं या शिक्षक कोई मुद्दा उठाते हैं, सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन इतने में ही अमीश देवगन जैसे पत्रकार आते हैं और उन पीड़ितों के खिलाफ ही ऐसी कोई स्टोरी लेकर आते हैं जिससे उनके प्रति जनता की सहानुभूति खत्म हो जाए, उनका जनता समर्थन करना बंद कर दें और अंततः सरकार से प्रेशर कम होता है और नेता जवाबदेहिता से बच जाएं। जैसे अगर शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करें तो ये एंकर ये साबित करने की कोशिश करें कि ये तो पैसों से बिठाई गई हैं, इनको तो फ्री में बिरयानी मिलती है। अगर किसान आंदोलन करें तो एंकर ये पूछेंगे कि इन किसानों के पानी की बोतल का पैसा कहां से आ रहा है, इनके झंडे का पैसा कहां से आ रहा है। अगर छात्र आंदोलन करें तो ये एंकर कहेंगे कि अरे असली छात्र तो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। एंकरों के इन कुतर्कों से भोली भाली जनता में भी कुतर्कों का जन्म होता है और वो अपनी ही पीड़ित लोगों के साथ नहीं आती हैं, उनका साथ छोड़ देती हैं और सरकार पर आने वाला दबाव इस तरह कम हो जाता है। अमीश देवगन जैसे बहुत से एंकर इन मुख्य टीवी चैनलों पर इसीलिए बिठाए गए हैं ताकि ये सरकार को बचाते रहें और विपक्ष और जनता से ही सवाल पूछें
बजाय कि सरकार से सवाल पूछने के। इसलिए टीवी मीडिया के इन खास एंकरों के बहिष्कार की मांग बीते सालों से उठ रही थी। बीते दिनों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन ने ऐसे 14 एंकरों की लिस्ट जारी की। इन एंकरों के नाम थे सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, रुबका लियाकत, गौरव सावंत, प्राची पारासर, अदिति त्यागी, आनंद नरसिम्हन और सुशांत सिन्हा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ये भारत की ऐसी एकमात्र लिस्ट है जिसमें महिला आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, थैंक्स टू रुबका लियाकत, नविका कुमार और चित्रा त्रिपाठी। खैर, इन एंकरों का कहना है कि विपक्ष द्वारा इन खास एंकरों का बहिष्कार करना मीडिया पर हमला है, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता ये करते हैं उसे लगता है कि देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर इन एंकरों का बिठाया जाना ही मीडिया पर सबसे बड़ा हमला है। इन लोगों का टीवी चैनलों पर फेस होना ही बताता है कि भारत में मीडिया वेंटिलेटर पर ही नहीं पहुंच चुका है बल्कि कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है। ये एंकर न केवल मीडिया पर हमला करते हैं बल्कि उसका कत्ल भी करते हैं और उसकी कब्र पर खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि मीडिया खतरे में है। सच तो यह है कि वो आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मीडिया खतरे में है। इस वीडियो में हम एक एक करके इन एंकरों की पत्रकारिता की पड़ताल करेंगे, इसके बाद आप बताएंगे कि इनका बहिष्कार होना चाहिए या नहीं। आगे इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपके सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे लेकिन इस वीडियो की रीच के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिया गठबंधन द्वारा किए गए बहिष्कार के बाद सुधीर चौधरी ने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या ये भारत की मीडिया के लिए सही है, क्या ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है, क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये कदम उठाना सही है। इसलिए पहले तो सुधीर भाई की पत्रकारिता ही देख लें कि ये पत्रकारिता के नाम पर कर क्या रहे हैं। मोटा माटी सादा शब्दों में जो एक समझ है वो ये है कि मीडिया का काम होता है कि नौकरियों के सवाल पर सरकार से पूछे कि आपने इतनी नौकरियों का वायदा किया था, कितनी नौकरियां दी, आप उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर रहे, सरकारी वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं उन्हें भरते क्यों नहीं, सरकारी परीक्षाओं के पेपर टाइम पर पूरे क्यों नहीं हो रहे। लेकिन सुधीर जी उल्टा सरयू नदी बहाते हैं और सरकार की जगह जनता से पूछते हैं कि भाई सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। सुधीर जी ने सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का ही DNA टेस्ट कर दिया। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अब जो आदमी ये मान रहा था कि सरकारी नौकरियां घट रही हैं, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही, और अब सुधीर चौधरी उसे और उसके परिवार को टीवी पर बैठे बैठे समझा देता है कि कैसे सरकार ये सब नहीं कर सकती, इतने करोड़ लोग हैं, कैसे सबको सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कुछ खास एंकर इन टीवी चैनलों पर इसलिए बिठाए गए हैं ताकि सरकार पर पड़ने वाले प्रेशर को कम कर सकें और उसे बचाने की एक शील्ड की तरह काम कर सकें। कल जब पेट्रोल के दाम यदि 1,000 रुपये लीटर भी हो जाएं तो सुधीर चौधरी आपको ये समझा सकते हैं कि पहले लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, साइकिल से चलते थे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी, पर्यावरण भी अच्छा रहता था, और जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पर चलना शुरू कर दो। जब साल 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग गिरी तो सुधीर भाई ने हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का ही DNA टेस्ट कर डाला और कहा कि गरीबी है, भुखमरी है, पर इतनी नहीं है। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी जैसे एंकर थोड़ा बैलेंस दिखाते हैं ताकि किंतु परंतु लेकिन यद्यपि हालांकि के बाद अपना एजेंडा परोस सकें, ताकि लोग समझें कि भुखमरी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन विदेशी रिपोर्ट भारत को ही बदनाम दिखाना चाहती हैं। जब सरकार और नेताओं से पूछा जाना चाहिए था कि भारत में भुखमरी पर कितना काम हुआ है, भुखमरी कब खत्म होगी, तब सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की रिपोर्ट का प्रभाव ये होता है कि आम जनता ये सोचने लगती है कि अरे गरीबी तो पहले भी थी, अरे गरीबी तो पाकिस्तान में भी है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। सुधीर चौधरी किस तरह मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं इसका एक उदाहरण TMC सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में भाषण देते हुए भारत में बढ़ते फांसीवाद यानी तानाशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने मानवाधिकारों की बात की, मीडिया पर सरकार के कंट्रोल की बात की, किस तरह वर्तमान सरकार द्वारा धर्म को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात की। लेकिन सुधीर चौधरी ने विपक्षी पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा के भाषण को ही नफरत से भरा भाषण बताकर एक शो कर डाला। एक नफरत भरा भाषण 25 जून को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने दिया था और कहा कि ये एक चोरी किया हुआ भाषण है जिसके आज हम DNA में पोल खोलेंगे। सुधीर चौधरी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने ये भाषण ट्रंप के ऊपर लिखे गए एक लेख से चुराया है जिसमें ट्रंप की जगह महुआ मोइत्रा ने मोदी लिख दिया है और संसद में पढ़ दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि महुआ मोइत्रा अपने भाषण में खुद बताती हैं, खुद क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने अपने भाषण के ये 7 बिंदु UN के एक संग्रहालय में लगे एक पोस्टर से लिए हैं
जिसका जिक्र मार्टिन लॉन्गमैन ने अमेरिकी वेबसाइट वॉशिंगटन मंथली में लिखे अपने एक लेख में किया था। मतलब ये जो शब्द थे वे एक पोस्टर के थे जिसका जिक्र मार्टिन लॉन्गमैन ने अपने लेख में किया, और यही बात महुआ मोइत्रा ने भी संसद में कही कि फांसीवाद के बारे में ये शब्द उन्होंने यूएन में लगे एक पोस्टर से लिए हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने ये बात छुपा ली कि महुआ मोइत्रा ने बाकायदा ये बताया है कि ये शब्द उन्होंने कहाँ से लिए हैं। महुआ मोइत्रा का ये भाषण उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित हो रहा था, लेकिन इस मुद्दे के बीच में ही सुधीर चौधरी कूद पड़ते हैं। ये है, और ये असल में आर्टिकल जो है ये है मार्टिन लॉन्गमैन का जो उन्होंने लिखा है। असल में मार्टिन लॉन्गमैन को इन मोहतरमा पर मुकदमा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनका आर्टिकल चुरा लिया। सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये झूठ फैलाया कि महुआ मोइत्रा का भाषण उन्होंने चुराया है। अब पूरा मुद्दा महुआ मोइत्रा के भाषण में उठाए गए जनता के मुद्दों से उठकर इस बात पर चला जाता है कि ये भाषण किसका है, ये असली है या नकली है, क्या महुआ मोइत्रा ने ये चुरा कर बोला है। जबकि बात इस पर होनी चाहिए थी कि क्या वाकई में भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच धीरे धीरे संकुचित होती जा रही है, क्या आपको अब डर लगने लगा है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपके खिलाफ FIR हो सकती है या आपके अपने ही आपसे लड़ सकते हैं। इस पर बात करने के बजाय सुधीर चौधरी ने पूरा मामला डाइवर्ट करके इस पर ला दिया कि महुआ मोइत्रा का जो भाषण चर्चित हो रहा है वो ओरिजिनल है कि किसी और के शब्द हैं। मतलब यहाँ भी अगर महुआ मोइत्रा के द्वारा उठाए जनहित के मुद्दों से सरकार पर अगर कोई दबाव बनता वहाँ पर भी सुधीर भाई ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यानी एक सेफ्टी ढाल की तरह काम किया, यानी सरकार पर पड़ने वाला प्रेशर बचा लिया। जबकि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि जब सरकार के हाथ में सब कुछ हो, पूरा राजस्व हो, सेना हो, पुलिस हो, सरकारी एजेंसियां हो, मंत्रालय हो, रेलवे जहाज हो, तब उसके सामने खड़े विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी सरकार से सवाल पूछेगा, विपक्ष की आवाज को अपने यहां जगह देगा ताकि इतनी ताकतवर सरकार के आगे बैलेंस बन सके, अन्यथा सरकार बेरोक टोक हो जाएगी और वो जनता की नहीं सुनेगी, नेता राजा की तरह बात करेगा। इसलिए सरकार पर अंकुश लगाने के लिए अपोजिशन और मीडिया दोनों ही सरकार से सवाल पूछने वाले होने चाहिए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मीडिया सरकार की स्थायी विपक्ष होती है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जनवरी 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट यानी मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने एक इंटरव्यू में मीडिया के बारे में कहा कि मीडिया को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, यहाँ अपोजिशन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ विपक्ष नहीं है, तुम लोग विपक्ष हो, यहाँ मीडिया विपक्ष है। स्टीव बैनन के इस बयान के बाद कि मीडिया विपक्ष है, इसके बाद कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने इसका विरोध किया। CNN की एक पत्रकार ने कहा कि हम किस तरह के देश में रह रहे हैं। वहीं प्रो पब्लिका नाम के अखबार के मुख्य संपादक स्टीफन एंगेलबर्ग ने कहा कि हम अपोजिशन नहीं है, हम लोकतंत्र में एक जरूरी कार्य का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार के इस बयान के बाद पत्रकारों द्वारा दी गई इस प्रतिक्रिया पर द ग्लोबलिस्ट नाम की मैगजीन के एक संपादक स्टीफन रिक्टन ने एक शानदार आर्टिकल लिखा जो मीडिया के रोल को समझने के लिए बेहद जरूरी है। स्टीफन रिक्टन ने लिखा कि बड़ा ही आश्चर्य है कि अमेरिका के बहुत से पत्रकार स्टीव बैनन के इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई अपोजिशन नहीं है, वे टैग से बचना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका राजनीतिकरण होता है। स्टीफन रिक्टर कहते हैं कि अगर देखा जाए तो ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन सही हैं। असल में मीडिया एक विपक्ष ही है, मीडिया एक विपक्ष ही होना चाहिए। एक अच्छा पत्रकार विपक्ष में रहकर ही अपना काम करता है, चाहे सरकार में कोई भी पार्टी हो, यानी पत्रकार सरकार का स्थायी विपक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की टीवी मीडिया अपना रोल निभा रही है कि नहीं, क्या भारत की टीवी मीडिया के एंकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे उन्हें सरकार का विपक्ष कहा जा सके। एक बार फिर उन पत्रकारों के चेहरे और नाम देखिए जिनका नाम विपक्षी गठबंधन ने अपनी बहिष्कार लिस्ट में डाला। अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, नविका कुमार, रुबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा, क्या आप ये मानते हैं कि पिछले सालों में इन्होंने किसी भी एक हफ्ते में लगातार ऐसे शो किए जिसमें सरकार से सवाल पूछे गए हों? बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन पर इन्होंने सवाल पूछे हों? क्या आप मानते हैं कि ये पत्रकार अपने विपक्ष होने का जिम्मा ईमानदारी से निभा रहे हैं? भारत का टीवी मीडिया सरकार का विपक्ष छोड़िए उसका साझेदार नजर आता है। वह सरकार का साझेदार ही नहीं है बल्कि विपक्ष विरोधी भी है। वो ये चाहता है कि देश में विपक्ष बचे ही नहीं, पूरी दुनिया में मीडिया और सरकार का इतना सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रिश्ता शायद ही किसी देश में होता हो जितना भारत में है। मीडिया और सरकार राजनीति के बाबू सोना हो चुके हैं। सरकार को चोट लगती है तो मीडिया को आह लगती है। कोई सरकार से कुछ प्रश्न कर दे तो मीडिया के एंकर कबीर फिल्म के शाहिद कपूर की तरह सरकार को बचाने के लिए बुलेट गाड़ी पर निकल पड़ते हैं जैसे किसी ने उनकी प्रेमिका से हाथ लगा दिया हो।
स्टीफन रिक्टर कहते हैं कि मीडिया को सरकार का स्थायी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडिया सरकार की स्थायी लैला बन चुकी है। ये जो आप कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है। अगर विपक्ष की 26 से अधिक पार्टियां मिलकर ऐसे विशेष एंकरों का बहिष्कार कर रही है तो ऐसे ऐसे लोगों से पत्रकारिता को बचाने का इसे एक प्रयास समझना चाहिए। अगर आपके शहर में एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है और धीरे धीरे दूध में छाछ भी मिलाकर बेचने लगे और आप कहें कि भाई हम आगे से इस दुकानदार से दूध नहीं लेंगे, तो क्या ये दुकानदारों की आज़ादी पर खतरा है? क्या ये दूधियों की आज़ादी पर खतरा है? जाहिर है ये नहीं है। ये एक तरह से असहयोग है, जैसे गांधी ने किया। अंग्रेजों के स्कूलों, दफ्तरों, अदालतों में जाने का बहिष्कार किया उन्होंने। अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों में ताले नहीं लगाए। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपके काम में किसे शामिल होना है, किसे नहीं, ये तय करने का पूरा अधिकार सामने वाले का है। बहरहाल ये कहानी यहीं खत्म होती है। कुछ विशेष एंकरों के बहिष्कार को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।